बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लैब 10 का मैनुअल करेंगे। इसके अंदर है आइट्रेशंस एंड इनपुट वैलिडेशन। अच्छा, आइट्रेशन में पहले हमने वाइल लूप की थी, आज हम लोग फॉर लूप को सीखेंगे। वाइल लूप भी करेंगे लेकिन साथ में फॉर लूप भी करेंगे। फॉर लूप का सिंटेक्स कैसा होता है वो देखेंगे आज हम लोग। अच्छा, सबसे पहला टास्क है राइटिंग बोथ फॉर एंड वाइल लूप। फॉर भी लिखें और वाइल भी लिखें। इन दिस टास्क यू आर बीइंग आस्क्ड टू राइट फॉर लूप एंड वाइल लूप इन जावा। राइट फॉर लूप एंड वाइल लूप टू डिस्प्ले द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। अब ये देखें, लिस्ट है, एक सीरीज़ है, एक जो कि 10 के मल्टीपल्स हैं। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1000 तक जा रहे हैं। तीन चीज़ें थी, हमें पता लग गई। स्टार्टिंग वैल्यू एक चाहिए होती है हमें हमेशा, और एक हमें एंडिंग वैल्यू चाहिए होती है जो हमने कंडीशन के अंदर लगानी होती है, और तीसरी चीज़ हमें एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का पता होना चाहिए कि हमने कितना इंक्रीमेंट करना है। इस केस में हमें 10 का इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि वो हर दफ़ा उस वैल्यू के अंदर 10 ऐड होता जा रहा है। पहले 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, इसी तरह से वो बढ़ रही है। अच्छा जी, नोटपैड फाइल ओपन कर ली। इसका फ़ॉन्ट ज़रा बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि बहुत छोटा है, अभी आपको नज़र नहीं आएगा इसी तरह से। तो ये, हाँ जी, यहाँ से इसको 18 कर लेते हैं, ठीक है। वही क्लास, वही मेन, ये हम लोग दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, फॉर लूप थोड़ी सी डिफरेंट है वाइल लूप से, बाकी सारा कुछ वही है। इसके अंदर भी एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए होती है, एक हमें एंडिंग वैल्यू चाहिए होती है कंडीशन के अंदर, एक हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चाहिए होता है, ठीक है। पहले हम अक्सर आई की वैल्यू लेते हैं जो कि स्टार्टिंग वैल्यू होती है, फिर हम उस वैल्यू को कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं वाइल के साथ, और फिर हम वाइल के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को वाइल लूप लिख के दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को मैं फॉर लूप में वही काम लिख के दिखाऊँगी, क्योंकि इस प्रोग्राम में कहा गया है कि आप वाइल भी लिखें और आप फॉर भी लिखें। तो पहले वाइल को समझते हैं कि वो कैसे चलती है, फिर हम फॉर लूप पर आते हैं। अच्छा जी, वाइल लूप मैंने लिखी यहाँ पर, ये इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज इसकी और ये उसकी एंडिंग ब्रैकेट है, इसलिए कमेंट लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं हमेशा। कंडीशन से पहले हमें एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए होती है। हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं आई, आई की स्टार्टिंग वैल्यू कर लेते हैं 0। इस केस में, इस प्रॉब्लम में हमें स्टार्टिंग वैल्यू 0 ही चाहिए। कंडीशन क्या लगाएंगे? व्हाइल आई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1000, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है? 1000 तक। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सॉरी मैंने वहाँ पर 10 लिख दिया है, मैं इसको दोबारा से चेंज करती हूँ बाद में। इसके अंदर प्रिंट करेंगे हम वैल्यू ऑफ आई को, यानी कि पहले 0, फिर 10, फिर 20 और थोड़ी थोड़ी स्पेस भी दे देते हैं बीच में, तो ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद हमने एंड पे काम क्या करना है, आई को इंक्रीमेंट करना है कि आई की वैल्यू में 10 ऐड कर दो, ताकि हर दफ़ा वो उसमें 10 ऐड करता जाए और जब तक 1000 नहीं आता तब तक वो चलता रहे। 0 से लेके 1000 तक वो जाए और 1000 पे वो एंड हो जाए। अब देखें, आते हैं वापस अपने प्रोग्राम में और देखें, यहाँ पे 1000 है तो ये 0 से स्टार्ट होगी और 1000 तक जाएगी ये लूप, और हर दफ़ा 10-10 का इंक्रीमेंट होता जाएगा इसके अंदर। ये होगी हमारी वाइल लूप। अब देखते हैं फॉर लूप कैसे लिखते हैं। फॉर लूप भी वैसे ही है, फॉर लिखा, वाइल की जगह पे फॉर लिखा, बाकी वही उसकी बॉडी बनाई और एंड पे कमेंट लिख दिया। इसके अंदर अब सिर्फ कंडीशन नहीं आएगी, इसके तीन पोर्शंस होंगे इसके अंदर। पहला पोर्शन, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर दूसरा पोर्शन, फिर तीसरा पोर्शन। अब पहले पोर्शन में ये चीज़ आ जाएगी जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इंट, सपोज़ यहाँ पर मैं चेंज कर लेती हूँ जे इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर आगे जे इज़ लेस दैन इक्वल टू 1000, यहाँ पे कंडीशन आएगी, ठीक है। पहली जगह पे हमने लिख लिया इनिशियलाइजेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली। उसके बाद सेकंड जगह पे, सेकंड पोर्शन पे आई कंडीशन, और थर्ड पोर्शन पे आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इनके सारे काम यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में हो रहे हैं, हमें अलग से बाहर और लूप के अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लूप के अंदर हम बस वही लिखेंगे जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ये कंडीशन आ गई और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ गया। अब इसके अंदर हम सिर्फ एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि फॉर की बॉडी के अंदर आएगी, ठीक है। ये आपको कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि हमने सब कुछ एक ही स्टेटमेंट में लिखा है। इसके अंदर लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, सेम वही जो हमने ऊपर वाइल में लिखी है, क्योंकि हम सारे नंबर्स प्रिंट करना चाह रहे हैं 0 से लेकर 1000 तक। तो ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होगा और 1000 तक जाएगा, और हर दफ़ा 10 को इंक्रीमेंट करता जाएगा।
ठीक है, अब देखें, अब इसको चला कर देखते हैं। चलाने से पहले दरमियान में एक कोई लाइन लगा लेते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि ऊपर वाला वाइल का काम था और नीचे वाला फॉर लूप का काम है। दरमियान में ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखे हैं हम लोग? पहले हमें एक बैक स्लैश एन लगानी पड़ेगी ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आए, वरना क्योंकि अपने जो पिछला प्रिंट लिखा हुआ है उसके अंदर एन नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया, ये एक लाइन ब्रेकर होगा, ब्रेक करना है दरमियान में। अच्छा, अब मैं जाती हूँ उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे मेरा कोड पड़ा होता है। हाँ जी, लैब 10 में, इसको मैं वहाँ पर सेव कर लूँगी। इसका नाम है लूप्स 1 लैब 9 लैब 10 सॉरी .java और यहाँ पे ऑल फाइल्स। इसको सेव किया, सेव हो गया। अब इसको हम रन करेंगे, वही फोल्डर ओपन करते हैं और वहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारे प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, आप लोगों ने गौर किया होगा। अब मैं बताती हूँ, पहले चला कर देखते हैं क्या एरर देता है, क्या मसला क्या आता है। अच्छा जी, लूप्स 1 लैब 9 लैब 10 सॉरी .java, ये कंपाइल हो रहा है। कंपाइलेशन में तो कोई एरर नहीं आया क्योंकि इसके अंदर एक लॉजिकल एरर है। वो क्या गड़बड़ किया हमने? चलाते हैं, अब देखें ज़रा, ये वाइल वाला काम सारा हो गया। यहाँ से 0 से लेकर 1000 तक इसने प्रिंट कर दिया, उसके बाद इसने लाइन लगाई, लेकिन फॉर वाला तो काम हुआ ही नहीं। फॉर वाला काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने फॉर के अंदर भी उसी आई को यूज़ कर लिया है। ये देखें ज़रा, मैं ओपन करती हूँ, ये देखें, फॉर के अंदर भी मैंने, हालांकि मैंने जे डिक्लेयर किया था तो मुझे वहाँ पर जे यूज़ करना चाहिए था। मुझे जे जे को 0 से स्टार्ट किया, फिर जे को लेस दैन इक्वल 1000 रखना था कंडीशन के अंदर, फिर जे के अंदर इंक्रीमेंट करना था और फिर जे को ही मैंने प्रिंट करना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग वाले में 0 थी, जे इज़ इक्वल टू 0 थी, तो वो हर दफ़ा वो कंडीशन में चेक कर रहा था आई इज़ लेस दैन 0 और आई में इंक्रीमेंट कर रहा था, तो ये उसको थोड़े मसले हो रहे थे यहाँ पे। अब देखें चलेगा ये, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल लिया है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, हमने उसी को इसके अंदर यूज़ करना है। अच्छा जी, अब ये चला और ये देखें, पहले वाइल और बाद में फॉर लूप का रिजल्ट हमें शो हो रहा है। 0 से लेके 1000 तक इसने सारे नंबर्स प्रिंट कर दिए हैं 10 10 के डिफरेंस से। हर एक पहले 0 से स्टार्ट हुआ, उसके अंदर 10 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ और इस तरह से चलता गया। अब अगला टास्क हम लोग अगली लैब में देखेंगे। अगले